देखें, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर दो माल तुम्हें नसीब हो जाएं, तो समझना कि पूरी कायनात की नेमतें तुम्हें मिल गईं। दो टाइप्स की जो हमारे पास दौलत आ जाती है, अगर वो इंसान को मिल जाए अकॉर्डिंग टू प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो यूँ समझें कि पूरी कायनात की नेमतें मिल गई। और आप सर में फरमाया कि वो दो नेमतें, वो दो माल कौन से हैं, वो दो दौलतें कौन सी हैं। पहली है माफ़ करने की दौलत और दूसरी है यकीन की दौलत। कि वो इंसान जिसको अल्लाह ताला ने इतना ज़र्फ बख्शा है कि कोई भी उससे बुरा सलूक करता है तो वो अल्लाह के सुपुर्द उसे कर देता है और अल्लाह की रजा के लिए उसे माफ़ कर देता है, तो ये सबसे बड़ी दौलत है। और दूसरी दौलत है यकीन की दौलत, कि कुछ भी हो जाए, आपकी ज़िंदगी कितने ही मुश्किल हालात में आ जाए, कितनी मुश्किल का शिकार हो जाए, लेकिन फिर भी आपका इस बात पर यकीन हो कि अल्लाह मेरा मालिक है, उसने, उसकी तरफ से ये आजमाइश है, उसकी तरफ से ये सारी परेशानियां हैं, उसने ही मुझे इन मुश्किलात में डाला है कि मैं उसके करीब हो जाऊं। जब ये आपका यकीन हो तो ये आपकी सबसे बड़ी दौलत है।